एक तरफ जहां पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ गांव में अपनी सरकार बनाने के लिए सपने देख रही बीजेपी अपना पूरा दम लगाती दिखाई दे रही है। ऐसे में अब शानदार मैनेजमेंट के लिए सियासत में अपनी अलग पहचान रखने वाले बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जुराती यानी जीतू दा ने भी मैदान संभाल लिया है, जहां उन्होंने अपने अंदाज में अधिकृत प्रत्याशियों को जीत का मंत्र दिया। देखिए एक खास रिपोर्ट। पंचायत चुनाव की हलचल के बीच गांव में सरकार बनाने को तैयार बीजेपी। सियासत के मैनेजमेंट मास्टर जीतू जुराती ने संभाला मैदान। जीतू दा ने अपने अंदाज में अधिकृत प्रत्याशियों को दिया जीत का मंत्र। जीतू दा के दिए मंत्र से रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करेगी बीजेपी। पंचायत चुनाव के लिए तैयार बीजेपी ग्रामीण की टीम इन दिनों लगातार मंथन बैठकें कर जीत का खास प्लान तैयार करती नजर आ रही है, जहां बीजेपी कार्यालय पर अधिकृत प्रत्याशियों की ऐसी ही एक बैठक में बीजेपी के मैनेजमेंट मास्टर कहे जाने वाले प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जुराती नजर आए। यहां उन्होंने मंत्री उषा ठाकुर, सांसद शंकर लालवानी, जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर, श्रवण सिंह चावड़ा और चिंटू वर्मा समेत तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में अधिकृत प्रत्याशियों को समझाइश देते हुए जीत का मूल मंत्र दिया। जीतू दा यानी बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जुराती ने अधिकृत प्रत्याशियों को अपने अंदाज में संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, सर आप खुद ही सुनिए। उधर के सारे समर्थक पार्टी के कार्यकर्ता सब बैठे थे, नीचे के पट्टी में आया कि इंदौर राम विधानसभा से मधु वर्मा। मैंने एक मिनट की भी देरी नहीं लगाई, मैंने सोचा कि ये लोग कोई आड़ी टेढ़ी बात करे, कोई नेगेटिव बात करे, कोई दिमाग इनका खराब हो, सबको बोला गाड़ी में बैठो, सीधा हाथ खुलने के मधु का स्वागत कर दिया। कोई झगड़ा ही हमको नफरा ही नहीं, मेरी पार्टी इसने जो नहीं किया मैंने सर्वमान्य, मेरी क्या हस्ती मेरी क्या होता था कि मेरे जैसा एक सड़े से गांव में रहने वाला छोटे से किसान का बेटा ये भारतीय जनता पार्टी से विधायक बन जाए, ये तो हस्ती ही क्या कोई, बताइए आप कल्पना करें। ये भारतीय जनता पार्टी है जो चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बना सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी है जो राजेश सोनकर जैसे छोटे से कार्यकर्ता को उठा करके उनको विधायक बनाने का काम करती है, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखो मारो तो एक सिद्धांत देखो सोचे मैंने कि अपना प्रयास करो और प्रयास भी उन्हीं हद तक करो कि तुम्हारे शर्मिंदो नहीं होना पड़ा। प्रयास ऐसा करो कि ठीक है भैया हम एक उपयुक्त कार्यकर्ता है, अगर तुम्हारे ठीक लगे तो हमारे लिए तुम सोच ही सकता है, यह बात के दो पर अपना दिमाग खराब कर मत रखो कि मनस तय कर लियो कि मौका तो कर लो तो फिर तो तुम्हारा भी भगवान मालिक नहीं है। और अपन ने तय करे कि नहीं यार अपना बड़ा आदमी है, इनका तक अपनी बात पहुंचेगा, अगर भी जाए तो ठीक है, अगर वो काम तुम्हारा नहीं हो उससे 10 गुना काम बेहतर भारतीय जनता पार्टी तुम्हारा करेंगे, ये गारंटी है। जीतू दा यही नहीं रुके, उन्होंने अधिकृत प्रत्याशियों में जोश भरते हुए अब की बार 17 में से 17 सीटें जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाने का भी दावा ठोक दिया। दूसरी जिम्मेदारियां और जवाबदारियां भी बहुत सारी है प्रदेश में कार्यक्रमों की, लेकिन पूरे समय हम रहेंगे, शंकर भैया रहेंगे, उषा दीदी रहेंगे, तुलसी भैया रहेंगे, राजेश भैया रहेंगे, ये इतने सारे भाई बहनों की जो कोई है कांग्रेस के पास है क्या अच्छा कोई, और ये सारे फेस है, एक चेहरा और एक मुस्कुराहट पे वोटर इनको धड़ाधड़ बोल देते, तभी तो दूसरा दिन भी 3-3 बार अलग अलग क्षेत्रों से जीत करके आ जाती है। आप कल्पना करो ये समाज के बात है क्या, तुलसी सिलावट जी को सावर में भी सारे रिकार्ड ध्वस्त उन्होंने किए, शंकर लालवानी जी यहाँ पर बैठे 5.5 लाख वोटों से देश में रिकार्ड बना करके, तो ये सब हमने सब किया, हम सब कार्यकर्ताओं ने किया है, और ये जो रिकॉर्ड हमने बनाया है इस बार भी रिकॉर्ड बने। मैं एक दिन बैठ करके एनालिसिस कर रहा था कि इस बार इंदौर एक रिकॉर्ड बनाएगा जिला पंचायत में, इस बार तो सब लोग गांड बांध करके आप लोग बैठ लेना, आज तक इंदौर के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, वो इस बार होने वाला है 17 की 17 जिला पंचायत सीट हम जीत। इसी के साथ जीतू दा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना भी साधा। हम लोग जीतेंगे और वो इसलिए जीतेंगे, देखो मित्रों की कांग्रेस को तो जीतने का कोई कारण बनता नहीं है, कांग्रेस इसलिए नहीं जीत सकती क्योंकि उनके पास कोई रीजन ही नहीं है, लेकिन उनका कम दृष्टि है कि इतना देश का कहीं ले जाएगा कि जिला का ले जाएगा, इतना खूबसूरत इंदौर का कहाँ ले जाएगा, उनके पास रीजन नहीं है। और दूसरा ये है कि वो चुनाव जीते ऐसा कोई रीजन भी नहीं है, सीजन भी नहीं पूरा इतनी बुरी उनका जो नेतृत्व करता राहुल गांधी भारत का जैसे दिन पर गया हो ये बात यकीन दे दो तुम्हारा कि एक तरफ राहुल गांधी बैठे हो एक तरफ अपना अश्विन के बैठे हो खिलाड़ी मामला मोटे तो ये इतनी प्यारी अपनी भारतीय जनता पार्टी, मैं सारी शुभकामना आप सब लोगों को देता हूँ हम सब बैठ करके। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब की बार पंचायत चुनाव में बीजेपी जीत का नया रिकॉर्ड कायम करने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए मैनेजमेंट मास्टर जीतू दा यानी जीतू जुराती ने भी मैदान संभाल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।